अलवर न्यूज के रिपोर्टर रुपेश शर्मा के अनुसार शहर के मंगल परिणय में किन्नरों का सम्मेलन शुरू हुआ। इससे पूर्व संभावित कोरोना महामारी तीसरी लहर से आमजन की रक्षा करने के लिए कलश यात्रा निकाली गई और भंडारा किया गया। आज ये मैं भरतपुर से आई हूँ, कोमल भाई किन्नर यहाँ अलवर के अंदर आए हैं। महासम्मेलन हो रही है किन्नर समाज का, यहाँ सारे किन्नर समाज आए हैं, जितने हिंदुस्तान के हैं किन्नर समाज के लोग सब पधारे हैं यहाँ पर। सब दुआ कर रहे हैं, सब बच्चों के लिए, जजमान के लिए खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, मेरे अलवर के जजमान को फले फूले। जय हिंद जय भारत। और ये भी प्रार्थना करते हैं जो तीसरी लहर आना चाहती है ये नहीं आए, ये नष्ट हो जाए, हमारी दुआ ईश्वर स्वीकार कर ले। सारे बुड्ढे बुड्ढे किन्नर मिलकर ये आस लगाए बैठे ये तीसरी लहर नहीं आए, हमारे बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे और हमारी भी रोटी रोजगार चलती रहे, हम भी दो पैसे लेके अपना जीवन यापन करते हैं। जय हिंद जय भारत जय माता की जय। रखे माता रानी का भंडारा कर रहे हैं यहाँ पे, कोरोना वायरस दूर जाए, सबको रोजी रोटी मिले। बहुत सारे बुआ जी लोग आए हैं, मालिक सबको अच्छा रखे, हिंदुस्तान की बुआ रेडी। हाँ जी, जमान के बच्चों को नहीं दुआ कर रहे हैं सब किन्नर लोग। अच्छा जी, और ये महामारी के लिए, महामारी दूर हो गए इसके लिए दुआ कर रहे हैं हम लोग, और भजमान के कारोबार में बरकत दे, राम जी खूब दुआ करें माता रानी से, ये दुआ है हमारी। और जिजमान अच्छा रहे, जिजमान सुखी रहे, जिजमान के बच्चे सुखी रह में। अभी जो प्रोग्राम हुआ है नाट्य गाते हुए, क्या प्रोग्राम है पूरा? ये हमारा कलश का है, कलश यात्रा निकल रही है उसके लिए कर रहे हैं हम। छाक पूजन भी आज, छाक पूजन भी आज ही है हमारा। कब तक चलेगा सम्मेलन आपका? कब? अच्छा चलेगा, दो चार दिन तक चलेगा, पाँच तारीख तक चलेगा भैया। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? बस यही माता का पूजा पाठ होता है, मंदिर में घंटा भी चढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी पूजा पाठ करेंगे। क्या नाम आपका? जिजमान के लिए करेंगे। वासी क्या और भी वासी हैं हिंदुस्तान में, सब इस महामारी से बचे, सबके बच्चे बच्चे सुखानी चली जाए। हमारे किन्नर सम्मेलन खट्टा किया है हमने दुआ करने के लिए, दो बार हो गए, एक बार और फिर हो रहा है, मेरे मथुरा का काम हो रहा है। अलवर को भला हो गए हमारे अलवर वासियों को, हमने खूब कर रहे हैं आप लिंग के लिए दुआ मंदिरों में और माता रानी से। जितने भी वासी सबकी हारी बीमारी दूर बारे माता को प्रार्थना कर रहे हैं, काटू श्याम जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि जनता में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, इस परेशानी से, इस बेरोजगारी से, इस महामारी से पूरी जनता को बचा ले। इसके लिए ये सम्मेलन चल रहा है, यज्ञ होगा, अभी हवन होगा, पूजा पाठ चलेंगे और चार दिन रहेगा ये सम्मेलन। मिया और हम आए हैं पूना से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।